खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। गौकशी और बीफ मामले में 4 पुलिसकर्मी किए सस्पेंड और 38 हुए लाइन हाजिर। आईजी और एसपी ने भारी जाब्ते के साथ खंगाले बीहड़। वन मंत्री संजय शर्मा ने बीहड़ से गौवंश मुक्त करवा लगाई लतार। सरकारी जमीन से बिजली कनेक्शन हटाने के भी दिए निर्देश। मंत्री शर्मा के साथ किशनगढ़वास क्षेत्र में पहुंचे कई भाजपा नेता। मेवात में वर्षों से जारी है गौकशी और बीफ सहित मिलावटी दुग्ध उत्पादों का धंधा। वहीं कई जगह खुलेआम मिलती है अवैध शराब। मौके का दौरा कर लौटे बनवारी लाल सिंगल सहित जागरूक वर्ग ने सख्त कार्रवाई पर दिया जोर। और कांग्रेस के खातों को सीज किए जाने के खिलाफ हुआ धरना प्रदर्शन। मोदी डूंगरी आयकर कार्यालय के बाहर वरिष्ठ नेताओं ने जताया विरोध। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। किशनगढ़ बास क्षेत्र में गौकशी एवं बीफ बेचने के मामले में आईजी उमेश चंद्र दत्ता द्वारा मौका मुआयने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। इस प्रकरण में किशनगढ़ बास थाने के एसएचओ दिनेश मीणा सहित 38 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं, जबकि प्रकरण में प्रारंभिक तौर पर संलिप्तता की आशंका के चलते एएसआई ज्ञानचंद, हेड कांस्टेबल रघुवीर, बीट कांस्टेबल स्वयं प्रकाश और रविकांत को निलंबित कर दिया गया है। उधर प्रकरण की पूरी जांच कोटपुतली बहरोड जिले के एएसपी नेमीचंद करेंगे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 बाइक और एक पिकअप बरामद की है। इसके अलावा गौवंश भी बीहड़ से जब्त किया गया है। आईजी दत्त के अनुसार उन्होंने खुद सर्च ऑपरेशन चलाया। रविवार देर रात तक ये अभियान चला। मौके पर मिले गौकशी के सबूत का परीक्षण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे गिरोह के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस किशनगढ़वास और रामगढ़ क्षेत्र के मध्य पहाड़ी एवं रेतीले टीलों में अवैध गौकशी के ठिकानों पर दबिश दे रही है। बलरामपुर और रुंध गिदावड़ा में बीफ की मंडी का मामला सामने आ चुका है। हाईवे रोड पर बिकने वाली बिरयानी में भी बीफ शामिल होने की बात सामने आई है। उधर खैरतल एसपी सुरेंद्र सिंह, भिवाड़ी एसपी योगेश दाधीच, डीएसपी सुरेश कुड़ी और तिजारा डीएसपी मुकेश मीना ने पुलिस के भारी जाब्ते के साथ क्षेत्र का जायजा लिया। कई जगह ताजा खोदे हुए गड्ढे मिले हैं, जिनमें गौवंश को दफन किए जाने की आशंका है। ब्रसंगपुर गांव में दबिश के दौरान घरों से पुरुष नदारद थे। यहां मिले एक युवक और दो बुजुर्गों से पुलिस ने पूछताछ की है। काफी सारे संदिग्ध लोगों को इस दौरान दस्तयाब करके पूछताछ भी की जा रही है। जैसा आपने खुद ही कहा है कि मौके से भी कई चीजें इकट्ठा की गई हैं, जिनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है, और इस समय भी निरंतर इसको लेकर जो रेड्स हैं और वो कंडक्ट की जा रही हैं, और उसके से जो संपूर्ण ये वाली जो चीज़ है उसका, ताकि उसके तह तक जाया जा सके और इसमें लिप्त जितने भी लोग हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा सके, इसको लेकर अलग अलग टीम्स को टास्किंग की गई है और ये इसमें निरंतर, जैसा मैंने कहा, रेड्स की जा रही है। इवन विधायक को भी इसकी सूचना थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सर, इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या कोई गोपनीय जांच की जाएगी, किस तरह का? जैसा कि मैंने कहा, इसको मैंने एक जिले से बाहर एक एडिशनल एसपी को इसकी मैंने जाँच दी है। इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी थे, बीट स्तर से लेके बीट प्रभारी, उनको मैंने इमीडिएटली निलंबित किया है। इसके साथ साथ समस्त किशनगढ़ बास थाना, जब तक ये जांच कंप्लीट नहीं होती, सारा स्टाफ लाइन हाजिर किया गया है। गौरतलब है कि संबंधित विभाग के मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने हाल ही में कहा था कि अब गौ तस्कर इलाका छोड़कर भागेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश कांग्रेस सचिव बलराम यादव ने कहा है कि दावों के बावजूद इतना बड़ा कारोबार चल रहा था। यादव ने बताया कि उन्होंने इस मामले को मीडिया तक पहुंचाया। उन्होंने सरकार और पुलिस की मंशा पर सवाल भी उठाए। वह पिछले 15 दिनों से इस कारोबार पर नजर लगाए हुए थे। बीजेपी सरकार आते ही के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो दावे करते थे कि क्रिमिनल शहर छोड़ के भाग जाएंगे, गाँव छोड़ करके भाग जाएंगे। जो बीजेपी गाय के नाम पर वोट बटोरती है, राम के नाम पे वोट बटोरती है, बीजेपी के राज में, बीजेपी की नाक के नीचे
गौकशी चल रही है, खुलेआम मंडी लग रही है और प्रशासन को पता होते हुए भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ पत्रकारों को, उन साथियों को और आप लोगों को जो आप लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं। इसमें कौन कौन लोग फंसेंगे, इसमें बीजेपी के नेता फंसेंगे। अभी पूर्व मंत्री आए थे कुछ दिन पहले, गृह राज्य मंत्री मैडम साहब, उन्होंने कहा था कि गौ तस्कर गाँव छोड़ करके भाग जाएंगे, क्रिमिनल शहर छोड़ करके भाग जाएंगे। उनकी नाक के नीचे ये जो मीडिया ने खुलासा किया है उसके बाद क्या कार्रवाई सरकार करती है? क्रिमिनल को पकड़ने की बजाय मैसेज देने के लिए, एक समाज को बदनाम करने के लिए पुलिस भी कार्रवाई पक्षपात की करती है। उन लोगों के भी नाम दिए हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया ये देखने की बात है। पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है ये देखने की बात है। वीडियो में जो फोटो साफ साफ नज़र आ रही है उनको गिरफ्तार किया या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? ये एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बीजेपी पार्टी अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो इस मुद्दे को भड़काती, आग लगाती, लेकिन आज बीजेपी के राज में गौकशी हो रही है, सरेआम मंडी लग रही है। वहीं किशनगढ़ बास क्षेत्र के गौकशी प्रकरण को लेकर सरकार अब अलर्ट हो गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा किशनगढ़ बास के बीहड़ में पहुंचे। उन्होंने यहां बंधे 7 गौवंश को मुक्त करवाकर गौशाला भिजवाया, साथ ही सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए। संजय शर्मा ने कहा कि बीहड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर बोरिंग और ट्रांसफार्मर आदि मिलने पर तुरंत अवैध कनेक्शन काटे जाएं। इसके बाद मौके पर विद्युत विभाग की टीम ने कई अवैध कनेक्शन हटाए हैं। उन्होंने कहा कि गौकशी में करने वाले से जिन भी कार्मिकों की मिली भगत है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस देश में गौ माता को पूजा जाता है, भोजन बनाने से बनने से उपरांत भोजन करने से पहले हम गोग्रास निकालते हैं। जो देश गाय के प्रति इतनी श्रद्धा रखता हो वहाँ इस प्रकार की घटना होना और बहुत लंबे समय से होना बहुत दुखद और मतलब शब्द नहीं है मैं उस घटना को बयां कर सकूं। और कल जब मेरे इस घटना का संज्ञान आया तो कल हम सब लोग दिल्ली थे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। कल यहाँ टीम भी आई आईजी साहब के नेतृत्व में, कल पुलिस ने काम भी किया, बहुत तरीके से दबिश भी दी जा रही है, मुजरिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। और यहाँ मौके पर आने पर मैंने देखा कि सरकारी ज़मीन पर बहुत बड़ी तादाद में खेती की जा रही है मुजरिमान द्वारा। बिजली विभाग द्वारा आश्चर्यजनक बात है कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शंस दिए गए हैं, बोरिंग हुई हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया गया, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, उन पे भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक चौकी यहाँ बनी हुई थी वो किन्हीं कारणों से बंद है, अभी डिप्टी साहब मेरे साथ मौके पर हैं, मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से उस चौकी को शुरू करवाएँ और उसमें कोई योग्य अधिकारी लगाएं और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर और पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। और जहाँ तक गौवंश मिलने की बात है, बहुत दुखद विषय है कि पुलिस के कल सर्च अभियान चलाने के बाद भी यहाँ 2 जीवित गौवंश मिले हैं जिनको अभी हमने छुड़ाया है। और मैंने अभी डिप्टी साहब को निर्देशित किया है कि यदि फोर्स की आवश्यकता पड़े, होमगार्ड्स जवानों की आवश्यकता पड़े तो एक सर्च अभियान के माध्यम से जितने भी भीड़ हैं इसमें अपने जवान जाएँ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और गौवंश यहाँ छुपाए गए हों मुलजिमों द्वारा, तो मैंने आपको निर्देशित भी किया है कि यह एक सर्च अभियान चलाया जाए, यदि कोई गौवंश या जीवित है तो उसको सुरक्षित रूप से निकाल करके गौशाला में भिजवाएं। उधर मंत्री संजय शर्मा के निरीक्षण के दौरान सामने आए कि यहां सरकारी जमीन में मकान बने हुए थे, इनमें बिजली कनेक्शन और इसके बल पर हो रही खेती को देखकर विद्युत निगम के सहायक अभियंता दिनेश भड़ाना से उन्होंने जवाब मांगा, साथ ही सभी कनेक्शन को हटाने की हिदायत दी। वहीं मंत्री शर्मा गहरे नालों में रस्सों से जकड़े हुए गौवंश को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने एडीएम को फोन कर कड़ी नाराजगी जाहिर की। वहीं निरीक्षण में भाजपा नेता संदीप दायमा, पंडित ज्वले सिंह, डॉक्टर दिनेश यादव, उमेश कांत वशिष्ठ, रविंद्र पटेल, रामकिशन मेघवाल और राजकुमार यादव भी पहुंचे। तो नौकरी आपकी जाएगी 100%, जिम्मेवारी आपकी तय करेगी सरकार? नहीं सर, पहाड़ों पे दे देना, सब जगह दे देना। शर्म करो कुछ यार, पराकाष्ठा है भ्रष्टाचार की। कब दिए तक लास्ट कनेक्शन कब हुआ था इसका, फिर ध्यान है? सर 4 साल से आप यहाँ पे हो, 4 साल से हो ना आप तो, और आपके सामने हुए सर? अभी पहले मेरे सामने नहीं हुए। नहीं सर, कुछ पहले के लिए
अरे 8 साल पहले थे क्या? अभी तो ये तो अभी हुए हैं कनेक्शन तो भाई। और बोरिंग किसने करी? अभी मुझे रिपोर्ट दीजिए हटा करके, जितने भी कनेक्शन सरकार ने सब हटाइए तुरंत कीजिए। खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़बाज क्षेत्र में गौकशी और बीफ बेचने का कारोबार वर्षों से धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं, खैरतल और मेवात इलाके के कुछ अन्य क्षेत्रों में मिलावटी पनीर, कलाकंद और दूध का भी गढ़ है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर अतिरिक्त राशि चुकाकर हर समय अवैध शराब ली जा सकती है। गौकशी और बीफ बेचने के हाल ही में सामने आए प्रकरण से भले ही सरकार, पुलिस और प्रशासन हरकत में है, लेकिन इस पर पूरी तरह अंकुश लगने के कदम आज तक नहीं उठाए गए। जब घटनाएं होती हैं, तभी ऐसी हलचल नजर आती है। खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़बाज क्षेत्र में रुंध गिदावड़ा जंगलों में गौकशी और आसपास के इलाकों में बीफ बेचे जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला सामने आने के बाद से अधिकारी और नेता दौरे कर रहे हैं। रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्त किशनगढ़बाज एसएचओ के अलावा 38 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर चुके हैं। इसके अलावा 4 का निलंबन किया गया है। जानकारी के अनुसार ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन आज तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस कारोबार से पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। रोजाना सुनसान स्थलों पर गौकशी कर जगह जगह लगी दर्जनों दुकानों पर बीफ बेची जाती है। नेटवर्क में शामिल कई युवक तो आसपास के दर्जनों गांवों तक होम डिलीवरी भी कर देते हैं। रोजाना लाखों के बीफ की बिक्री होती है। वहीं गाय के अवशेषों को गड्ढे खोद कर दफना दिया जाता है। यहाँ दूर तक बीहड़ है जिनमें यह सिलसिला चल रहा है। वहीं मेवात के कई इलाके मिलावटी दूध, पनीर और कलाकंद के भी अड्डे बने हुए हैं। यहाँ दूर दराज के गांव में ऐसे मिलावटी पदार्थ बनते हैं। इसके बाद इनकी सप्लाई जयपुर, हरियाणा और कई अन्य जगह की जाती है। पिछले अरसे में एक्सप्रेसवे सहित कुछ स्थानों पर सैकड़ों किलो पनीर जब्त कर नष्ट करवाया भी गया है। दूसरी ओर क्षेत्र के कई ढाबों, दुकानों और अन्य स्थानों पर हर वक्त अवैध शराब उपलब्ध है। शाम 8 बजे ठेके भले ही बंद हो जाएं, शराब का यह सिलसिला बंद नहीं होता। संबंधित कार्मिकों को मिली भगत के बिना यह संभव नजर नहीं आता। उधर मौके का दौरा कर लौटे पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल का आरोप है कि रोजाना करीब 20 गायों को काटकर बीफ बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच कर सभी शामिल दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व विधायक सिंघल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। अलवर जिला से अलग हुए जिला खैरथल तिजारा में ग्राम बरसिंहपुर, जिसमें रूंद गिदावड़ा जो जगह है किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, और ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जो कल पहली बार देखा। कल दैनिक भास्कर ने एक समाचार प्रकाशित किया था, उस समाचार के प्रकाशित होने के बाद मैं वहाँ कल मौके पर पहुँचा। जब वहाँ जाकर देखा तो सबसे पहली तो बात यह है कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे किसी लोकेशन के आधार पर हम वहाँ पहुँचे और पहुँचकर हमने देखा कि वो चंबल से भी बड़ा गहरा बीहड़ है, जिसमें 30-30, 40-40, 50-50 फुट गहरे नाले हैं, और उन नालों में सैकड़ों हजारों की संख्या में गायों को काटकर फेंके गए अवशेष वहाँ पड़े थे। गायों की खोपड़ी थी, पैर थे, जबड़े थे और अन्य तरह के अवशेष थे। बहुत बड़ी संख्या में वह कुत्ते थे और बगुले लगे हुए थे जो मौके पर पड़े हुए मांस के टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ गड्ढों को खोद कर उनमें से मांस निकालने का प्रयास भी कर रहे थे। हम लोगों ने करीब 2-3 घंटे तक वहाँ पूरे जंगल को घूमकर देखा। आसपास के क्षेत्र में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। पूरा भय का वातावरण था। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, कल हम यहाँ से जाते समय खानपुर, जो मूसाखेड़ा को भी रास्ता जाता है, वहाँ से हमने प्रवेश किया था 12 बजे करीब। और प्रवेश करने के बाद हम लोग जब गए तो पूरे एरिया में हमने ये देखा कि हर छोटे मोटे गांव के बाहर कोई ना कोई चाय की या बिरयानी का खोखा लगा हुआ है, और वो चाय और बिरयानी के जो खोखे हैं वो मुझे लगता है कि वो मुखबिरों के खोखे हैं, जो गाँव में पुलिस आ रही है अपराधियों को पकड़ने के लिए, पुलिस आ रही है इसकी सूचना देने के लिए, लोगों ने अपने लोगों को वहाँ तैनात कर रखा है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो लोग हमको भी गहरी वॉचिंग कर रहे थे, निगाह से देख रहे थे। हम लोग मौके पर पहुँच गए। रास्ते में जो जहाँ घटना स्थल है उसके आसपास बहुत सारे घर बने हुए थे। उन घरों में खास बात ये देखी गई कि एक भी घर में पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं और बच्चे थे, जिससे ये प्रतीत होता है स्पष्ट कि वो जो पुरुष हैं वो किसी रेड की आशंका से अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। हम लोगों ने वहाँ पूरे क्षेत्र को देखा, देखकर ये प्रतीत होता है कि कम से कम 4-5 साल से वहाँ गौकशी हो रही है और बड़ी संख्या में गौकशी हो रही है। उस गौकशी को करने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग वहाँ पीछे की तरफ गायों को लेकर घूम रहे थे, जिन्होंने जैसे मेरी गाड़ी और दूसरी एक पुलिस की गाड़ी और हमारे पीछे हो गई थी वहाँ, उन दोनों को देखकर वो गायों को लेकर जंगल में भगा कर ले गए।
ये कल भयावह दृश्य हमने देखा है। मेरा ये कहना है कि पूरा क्षेत्र वो मेवात हिंदुओं से खाली हो चुका है। हिंदुओं का 100% वहां से पलायन हो चुका है। हिंदू नाम का कोई व्यक्ति किसी दुकान पर नाम लिखा हुआ नहीं देखा। सारी दुकानें मुस्लिम्स की हो चुकी हैं, सारी आबादी मुस्लिम्स की हो चुकी है। सरकारी वो भूमि है, राजकीय भूमि, जिस पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, बिजली के कनेक्शन भी ले लिए हैं, खेती भी कर रखी है। हजारों बीघा वो राजकीय भूमि हो सकता है, वन विभाग की हो या अन्य किसी सिवाय चक्की हो। ऐसी भूमि पर लोगों ने अपनी खेती और अपना घर बना रखा है। उधर समाजसेवी प्रेमचंद जैन का कहना है कि गौ तस्करी लगातार बढ़ रही है और सरकार आंखें बंद कर बैठे रहती है। हिंदुत्व की बात करने वालों को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा मिलीभगत करने वाले पुलिस कर्मियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। किशनगढ़ तिजारा जिले के ग्राम रूंद गिदावड़ा के जंगलों में हाल ही में जो गोकशी का मामला सामने आया है, वो मौजूदा सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ तो हमारी भाजपा सरकार गोकशी रोकने की बहुत पुरजोर मांग करती है और करती आ रही है, जबकि इस तरह के घिनौने अपराध पूरे देश में, अलवर ज़िले में ही नहीं, किशनगढ़ तिजारा ज़िले में ही नहीं अपितु हरियाणा और बड़े बड़े शहरों में इस तरह के पशुओं को क्रूरता से उनका कत्ल किया जा रहा है और उनके बीफ को, उनके मांस को बेचा जा रहा है। अखबारों में ये पढ़कर मन को बहुत ज़्यादा वेदना हुई कि भास्कर अखबार द्वारा ये समाचार प्रकाशित किया गया, उनके पत्रकारों द्वारा उस जंगल का निरीक्षण किया गया, तो उन्होंने देखा कि 20 गाय के लगभग रोजाना वहाँ पर काटी जाती हैं, उनका बीफ बनाकर ज़िले में व अन्य प्रदेशों में भी भेजा जाता है जहाँ पर इसकी बिक्री होती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नवयुवक और अन्य व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं जो इसको अपना रोज़गार बनाए हुए हैं। क्योंकि इस समय भाजपा सरकार है और ऐसी सरकार में इस तरह का घिनौना कृत्य जो देखने को और उजागर हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है। मेरी भाजपा सरकार से पुरजोर अपील है कि आप इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को पकड़ें और इस तरह के कृत्य को रोकें। गाय माता जिसको हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लेख है कि गाय माता के शरीर में, उसके हर अंग में अनेकों देवी देवताओं का वास है, जिसे हम पूजते भी हैं, पूजा भी करते हैं, नहीं मिलने पर बड़े व्याकुल हो जाते हैं। कई कई पुण्य कार्यों में गाय माता की हम पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में हम गाय माता की रक्षा नहीं कर पाएँ तो ये हमारी हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही शर्मनाक है। अखबार में ये पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ कि किशनगढ़ तिजारा क्षेत्र के हमारे साधु संत जो इस समय हमारे MLA हैं, महंत बालकनाथ जी, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए, एक बाइट देते हुए, एक अखबार को ये सूचना देते हुए इसको बहुत हल्के में लिया कि मैं एक दो दिन में जाकर के वहाँ पर देखूँगा। और अब मेरा मानना है कि ऐसे घिनौने अपराध के लिए तो उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम सस्पेंड करते हुए तुरंत जाना चाहिए और प्रशासन को इस बात के लिए कठोर निर्देश देने चाहिए थे कि वो तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें। जबकि IG महोदय पुलिस प्रशासन के तुरंत ही दूसरे दिन आए और उनके सामने वो गायों को भगते हुए उन्होंने देखा और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गायों के शरीर के अंग और हड्डियाँ उनको देखने को मिली। इस सबको हम जब अखबारों में देखते हैं तो हमारा मन बहुत द्रवित होता है, बहुत ही
शर्म से डूब जाता है कि ऐसे घिनौने कृत्य हमारे ज़िले में चल रहे हैं, जहाँ हिंदुओं के लिए बहुत ही ये शर्मनाक है। और ख़ास तौर से भाजपा सरकार जो कि हिंदुओं की सरकार बताई जाती है, उसके लिए तो बहुत ही शर्मनाक है। वहीं भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के अनुसार कुछ दिन पहले अलवर में ओवरब्रिज के पास भी गौवंश को ले जाते हुए मामला सामने आया था। उन्होंने कहा कि अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही अशोभनीय है, क्योंकि कांग्रेस शासन काल के अंदर, क्योंकि वह कांग्रेस का विधायक था, उस विधायक का संरक्षण प्राप्त था और हमारे पुलिस के बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, थाने के बीट के कांस्टेबल भी ऐसे हैं जो उन सबों से मिले हुए थे। ये पूरी मिलीभगत के कारण ही बहुत लंबे समय से हमारी गौ माता, जिसको हम अपनी माता मानते हैं, आज इस धरती पे साक्षात भगवान का रूप है और यदि कहीं चलते फिरते हमें मिलते तो हम हमारी गाय माता को ढोक देते हैं। उसके अंदर सारे हमारे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, गाय को पूजा जाता है। भारत सनातन धर्म का देश है, यहाँ हमेशा गाय की पूजा होती है। उस गाय को महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि पे इस प्रकार से इन काफिरों ने इतने लंबे समय से रोज काट रहे थे, 20 गायें, मैं कह रहा हूँ 30 से भी अधिक होंगी, 50 भी होंगी। तो शहर में भी अभी पुल के नीचे बछड़े पकड़े गए, तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, बड़ी अशोभनीय है। मैं अपनी सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे काम करने वाले काफिरों को, उनको जो उनकी 56 उरों के दर्शन है, उनको शीघ्र कराए जाए और उनको यहाँ रहने का, इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। कुल मिलाकर घटना हुई है तो सभी हरकत में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक ना जाने कितनी गायों को काटकर बीफ बेचा जा चुका है। पूर्व में इस तरह के आरोप लगने पर अफसर नकारते रहे हैं, लेकिन अब सामने आए सबूतों के बाद खलबली मची हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले रामगढ़ के आंधाकी में बड़े पैमाने पर गौकशी का मामला सामने आया था। उस वक्त पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और ज्ञानदेव आहूजा इस मामले में मुखर रहे थे, साथ ही यह प्रकरण देश भर में चर्चित रहा था। किशनगढ़ बाग क्षेत्र में गौ हत्या एवं बीफ बेचने के मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अब भाजपा पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और रामगढ़ विधायक जुबेर खां के अनुसार बीफ निर्यात में देश पहले नंबर पर आ चुका है। दूसरी ओर भाजपा के लोग गौ भक्त बनते हैं, ऐसे में खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग की कहावत चरितार्थ हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने किशनगढ़ के मामले को उजागर किया है, ऐसे में संबंधित दोषियों के नाम उजागर किए जाने चाहिए, साथ ही इसमें सम्मिलित राजनेताओं के नाम भी सामने आए, जिससे जनता को सच का पता चल सके। जुबेर खान ने कहा है कि इस मामले में लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा, गायों के पक्षधर बनती है सरकार, उस सरकार के अंदर आज इतना बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी एक अखबार ने किया है, न कि इनकी सरकार ने पकड़ा है उसको। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो पुलिस के लोग और बीजेपी के लोग इससे मिले हुए हैं, उनके नाम उजागर होने चाहिए, वो सामने आए। इनके कारनामे अलग हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी सरकार आने के बाद में बीफ निर्यात के अंदर हमारे देश की रैंकिंग बढ़ गई है, पहले से ज्यादा बीफ निर्यात होने लग गया है देश के अंदर, और ये गौ माता के भक्त बनते हैं। तो ये चीज पब्लिक के सामने आ गई है और मैं तो धन्यवाद देता हूँ अखबार के लोगों को, जिन्होंने इतना बड़ा ये किया और इस चीज का खुलासा किया। जो भी दोषी है, और मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, इस प्रकार की इजाजत नहीं देता कि आप इस प्रकार का काम करें। ऐसे समाज कंटक है, वो किसी भी समाज के अंदर हो सकते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे बारे में तो गाय के प्रति जो मेरा मान सम्मान है, विधानसभा में सब लोग जानते हैं। अगर इन चीजों की पुनरावृत्ति रोकना चाहती है सरकार, वाकई गायों की रक्षा करना चाहती है, उनको जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए, उनको को एक्यूज्ड बनाना चाहिए गो हत्या के लिए। अगर ऐसा सरकार कर देती तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गो कसी का काम सब रुक जाएगा, गो कसी का भी रुक जाएगा, गो तस्करी का भी रुक जाएगा। एक्ट है, एक्ट जब बना था, मैं विधायक था, उसमें स्पष्ट है गौ कसी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग करने वाला, उसमें सहमति देने वाला, उसको रोकने वाला भी बराबर का ही दोषी है, ट्रांसपोर्ट करने वाला भी उतना ही दोषी है जितना, और गायों को बेचने वाला भी उतना ही दोषी है। तो जितने भी लोग इसमें संबंधित हैं सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, और विशेषकर उन पुलिस वालों के कि जिनकी नाक के नीचे हो रहा, हर गाँव में इनके मुखबिर होते हैं, क्या इनको मालूम नहीं था इतने बड़ा कांड वहाँ हो रहा है? इसलिए अगर वाकई सरकार इसमें
सीरियस है और इसको रोकना चाहती है इस बुराई को, तो इस पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। कांग्रेस के खाते सीज करने के खिलाफ सोमवार को अलवर के मोती डूंगरी स्थित आयकर भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को सीज किया गया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व विधायक जुबेर खां मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हाल ही में क्राउड फंडिंग के द्वारा आम जन से सहायता राशि प्राप्त की गई थी, ऐसे खातों को सीज करना लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने केंद्र पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। इसके अलावा कहा कि वर्तमान में आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। आज देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। लगातार मोदी सरकार विपक्ष की पार्टियों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप पे लगातार हमले कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और उसको रद्द किया। उसके पूरे देश के अंदर इनकी थुतु हो रही थी, उसका ध्यान भटकाने के लिए अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सीज कर दिए बिना बात। ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं कि विपक्षी पार्टियों को चलते चुनाव के अंदर, अभी 15 दिन के बाद में आचार संहिता लगने वाली, ऐसे समय में ये जानबूझ के कांग्रेस पार्टी को तंग करना चाहते हैं, चुनाव के अंदर व्यवधान डालना चाहते हैं। ऐसी लोगों की नीति है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे यहाँ भी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस तरह से आपातकालीन इन्होंने कर रखा है, इमरजेंसी लगा रखी है कि विपक्षी पार्टियों को तबाह करने के लिए, क्रश करने के लिए खाते सीज कर देना, ईडी के छापे डलवाना, सीबीआई के डलवाना, अघोषित आपातकालीन जो स्थिति बना रखी है इसके विरोध में है। और वही मोती डूंगरी आयकर कार्यालय पर किए गए प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष पर किसी न किसी रूप में हमले करने में लगी है। उन्होंने कांग्रेस के खाते सीज किए जाने को लेकर केंद्र की आलोचना की। देखिए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है मोदी सरकार द्वारा, और ये आंकड़े आप देखिए कि 95% जितने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जितने भी केस बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। लगभग 65,000 करोड़ रुपए इन कुछ सालों के अंदर जब से इनका राज आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के तहत इनने पैसे ले लिए हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए अडानी जी से, रिलायंस कंपनी से ये पैसा लेते हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स, और उसके बाद उनको एयरपोर्ट बेचा जाता है, हाईवे बेचे जाते हैं, शिपिंग के पोर्ट बेचे जाते हैं, तो इनके अकाउंट सबसे पहले फ्रीज होने चाहिए। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने अलवर में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही तकनीकी सर्विलांस का उपयोग कर अपराधों में लिप्त लोगों को पकड़ने की हिदायत दी गई है। वहीं सरकारी कैमरों के अलावा निजी सीसीटीवी कैमरों को भी अभय कमांड से जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने अपराधियों को संदेश दिया कि अगर जेल से बाहर रहना है तो शांत रहें, अन्यथा हार्डकोर क्रिमिनल की तरह जेल में बंद रहना होगा। आईजी के अनुसार सरकार की प्राथमिकताओं के मुताबिक बाकायदा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी जो इस समय की प्राथमिकताएं हैं, जिसमें कुछ ऑपरेशंस हैं जो चलाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर्स ने भी विभिन्न प्राथमिकताएं तय की हुई हैं। एक तो उनका जायज़ा लेना कि उसमें हम अभी कहाँ पर हैं, क्या परफॉर्मेंस चल रही है और उसमें कैसे आगे फर्दर पैनापन लाया जाए। साथ में इसमें जो अपराधियों के जो चिन्हीकरण और उनके विरुद्ध जो प्रभावी कार्रवाई है और एरिया डोमिनेंस के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में, और साथ में जो आपके स्पेशल एक्ट्स हैं, बेशक वो हथियार संबंधी हों और अन्य जो हैं, उनके बारे में एक बार जायज़ा लेना कि क्या वृत्त स्तर पे कार्रवाई करने के लिए टारगेट सेट किए हैं इंडिविजुअल अधिकारियों ने और वो इस समय कहाँ पर हैं, वो सारे के सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है, और ताकि उसके आगे की प्रभावी कार्य योजना बनाई जा सके। सर, क्योंकि सर सांसद का चुनाव विवाद सीमा और ये सब जो एक्सप्रेस वे पर जो बहुत सारी पहल की गई हैं, जैसा आपने देखा होगा कि अभी अलवर ज़िले में जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर भी चयनित स्थानों के ऊपर पुलिस ने अपनी प्रेजेंस बनाई है।
इसके साथ साथ ही जो आपके टोल और वो वाले चेकिंग पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी जो स्टैटिक सर्वेलेंस है वो की जा रही है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो पुलिस ने ईजाद की हैं, जो जो नए अपने ट्रैफिक की आर्टरीज डेवलप हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, तो ये समग्र चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जो नया सुरक्षा परिदृश्य है उसको लेकर पुलिस सजग है, और मेरी अभी विस्तृत चर्चा भी हुई है एसपी साहब से, निश्चित तौर पे वो सभी चीज़ें फैक्टर इन कर रहे हैं हम। अलवर के जैन बीएड कॉलेज में गुणानुवाद एवं विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि प्रसिद्ध दिगंबर जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज शनिवार रात्रि महाप्रयाण कर गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रग्रही तीर्थ में समाधि ली, साथ ही देह त्यागने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अन्न जल का त्याग कर संलेखना मौन व्रत धारण कर लिया था। वह 78 वर्ष के थे। वहीं सोमवार को जैन बीएड कॉलेज में हुई श्रद्धांजलि सभा में पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंगल भी पहुंचे। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिज, बीएड कॉलेज की प्राचार्य अनिता सोनी और प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और वहीं स्कीम आर्ट स्थित आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान परिसर में हुए कार्यक्रम के दौरान आचार्य विद्यासागर छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की गई। अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा कि उनकी स्मृति में कक्षा 10 में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और जरूरतमंद परिवार के छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। माघ मास शुक्ल पक्ष में जया एकादशी मंगलवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदास शर्मा के अनुसार इस अवसर पर रवि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस त्रियोग में भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक, परिक्रमा एवं कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। इसके अलावा मंगलवार को सुबह 6:01 पर मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह देश विदेश की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। माघ मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी कल जया एकादशी के नाम से 20 फरवरी मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का शुभारंभ 19 फरवरी को प्रातःकाल 8:52 पर होगा और कल 20 फरवरी को प्रातःकाल 9:56 तक एकादशी तिथि रहेगी। शास्त्रों उदय तिथि में जो तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन उस एकादशी का व्रत और पूजन किया जाता है, इसलिए शास्त्रों कल 20 फरवरी मंगलवार को ही माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। कल जया एकादशी पर रवि योग, प्रीति योग और आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग में एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से, एकादशी की कथा सुनने से और एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और श्रद्धालुओं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। इसलिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संसार में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। वहीं कल 20 फरवरी मंगलवार को प्रातःकाल 6:01 पर मिथुन और कन्या राशि के स्वामी और ग्रह के राजकुमार बुध ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर अर्थात प्रवेश करेंगे और यह बुध राशि का कुंभ राशि में प्रवेश करना देश प्रदेश की खुशहाली, सुख समृद्धि व प्रकृति का योग माना गया है, इसलिए कल एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। बॉक्सिंग के क्षेत्र में उपलब्धि पर मोहम्मद अली का अभिनंदन किया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की समिति के पूर्व सदस्य जुबेर खान ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बॉक्सिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा मोहम्मद अली ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है, ऐसे में खिलाड़ियों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया है। मोहम्मद अली इससे पहले अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग में कई पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन कर चुके हैं। वह सनराइज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। बौद्ध महिला विकास समिति की ओर से अलवर के 60 फीट रोड स्थित सिद्धार्थ विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण संपन्न हुआ। समिति अध्यक्ष नीलम सागर ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बौद्ध भिक्षु डॉक्टर करुणा राहुल सागर रहे। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया और पंचशील वंदना भी करवाई।
इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 9 लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों से अंधविश्वास छोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि मन संचालन रोशन लाल और राजू बौद्ध ने किया। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद बौद्ध, मंगल राम, विजय सिंह, चंद्रशेखर बौद्ध और सूरज मल करदम सहित समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। हमने सभी महिलाओं ने मिलकर ये अपने बौद्ध महिला विकास समिति बनाकर और एक इसमें बाबा साहब की मूर्ति और वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति और सभी महापुरुषों की तस्वीर लगाई। उसमें सभी माता बहनें साथ रही और हजारों की संख्या में हमारे उपासक उपासिका भी वहाँ पे उपस्थित है और सभी आज अच्छे कार्यक्रम हुए हैं कि हम जो हमको बाबा साहब ने और महात्मा बुद्ध ने बताया कि पंचशील में रहो और पंचशील का ग्रहण करो। अगर हम पंचशील का ग्रहण करेंगे तो हमारे सब प्रतिदिन चर्या में करेंगे तो हम बोध की उसमें नीति में आएंगे और बोध के उस कार्यक्रम को और उनकी वाणी को और उनकी विचारधाराओं पे चलेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यही कहा है, सबको साथ लेकर चलो, बोध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अपना घर शालीमार के फेज 2 स्थित त्रिदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। इसके प्रथम दिन सोमवार को भक्ति धाम मंदिर से त्रिदेव मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं गेट संख्या 12 पर पुलिस बैंड ने स्वागत भी किया। इस दौरान 151 महिला एक ड्रेस कोड के अनुसार कलश यात्रा में शामिल हुई। साथ ही शंख और घंटे घड़ियाल बजाते हुए भक्त चल रहे थे। इस मौके पर जयकारे गूंजते रहे। अलवर के बलजी राठौर की गली स्थित जैन चिकित्सालय में नेत्र जांच शिविर समय समय पर लगाए जाते हैं। 20 और 21 फरवरी को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक यह सिलसिला चलेगा। वहीं चयनित मरीजों के ऑपरेशन राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में करवाए जाएंगे। डॉक्टर मोहनलाल सिंधी और समिति सदस्यों के अनुसार मरीजों का पंजीयन किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि 20 फरवरी और 21 फरवरी को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की टीम डॉक्टर सुनील चौहान पीएमओ के नेतृत्व में 20 और 21 को ओपीडी होगा। 20 वाले जो सेलेक्ट करेंगे उनका 21 को राजीव गांधी में ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का, और 21 वालों का 22 और 23 को। और ये 20 वाला स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन, जो इनके बेटे श्री रविंद्र जैन साहब जो हमारे यहाँ ट्रेजरार हैं, ये उनके पुण्यतिथि पे करवा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 100 का तो 20 तारीख को सिलेक्शन हो जाएगा और 21 तारीख के जो पुण्यार्जक हैं और 21 को जीतमल जैन जी के परिवार की तरफ से कैंप का समय प्रातः 9 से 1 बजे रहेगा। कल डॉक्टर सुनील चौहान जी, हमारे एक्स पीएमओ डॉक्टर महेश जैन जी, वो भी अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। डॉक्टर मधु सक्सेना 21 को पीएमओ साहब तो रहेंगे, दीपा जैन जी भी रहेंगे और उनकी पूरी टीम, ऑफिसर अभय सिंह यादव, रेजिडेंट नर्सिंग ऑफिसर, तो यहीं लैब की भी टीम आएगी जो कि शुगर और है ना बीपी वगैरह जो सेलेक्ट करके सबकी जान निःशुल्क है। हमने पहले भी ये कैंप लगवाया था और शानदार कैंप गया। आगामी 20 और 21 फरवरी को जैन चिकित्सालय प्रबंध समिति द्वारा जिला अंधता सोसाइटी और अलवर मेडिकल ट्रस्ट के सहयोग से 2 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान जी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा आँखों की जाँच और मोतियाबिंद के जो मरीज हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। और राजीव गांधी चिकित्सालय के अंदर 21, 22 और जो भी वो डेट आगे देंगे उसमें ऑपरेशन किया जाएगा। और अब तक 20 तारीख के लिए हमारे पास अब तक 65 मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 21 तारीख के लिए 40 मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। इसके अलावा हॉस्पिटल से भी मरीज के रहेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित प्रशिक्षण केंद्र में हॉकी और शूटिंग के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आरंभ हो गई है।
सोमवार को शुरू यह प्रक्रिया 21 फरवरी तक चलेगी। केंद्र प्रभारी शिव कुमार सैनी के अनुसार बालक और बालिका वर्ग में आवासीय एवं गैर आवासीय योजना के तहत चयन हो रहा है। निर्धारित श्रेणी के अनुसार कुल 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस दौरान सोमवार को यहां जिले भर से खिलाड़ी पहुंचे। फिलहाल सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच हो रही है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट का दौर चलेगा। आज से शुरू कर दी हमने, लगभग 9 बजे से हमने इसकी एंट्री शुरू कर दी है। बच्चों की एंट्री करके इसका फॉर्म दिया पहले हमने, तो फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगा के फोटोस्टेट कॉपियों को लेकर उसको जो नंबर अलाट कर रहे हैं जिनको रजिस्टर में इनकी एंट्री करके फॉर्म के ऊपर भी वही नंबर रहेगा, उस नंबर के अनुसार ही हम इसको मतलब ट्रायल लेंगे। कौन कौन से खेल की प्लेयर है? वही हमारे पास दो ही डिसिप्लिन है, हॉकी और ये शूटिंग। शूटिंग में राइफल है और पिस्टल है। तो काफ़ी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखो नंबर तो एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा शाम तक, बच्चे आते तक आते रहें। शाम को हम सेकंड सेशन में हम फिजिकल लेंगे इनका। जनरल फिजिकल टेस्ट है जो दोनों का एक ही है। करीब कितने बच्चे सर लिए जाएंगे इसमें? लगभग 12-13 बच्चों का सीट है हॉकी में और 21 बच्चों की सीट है इसमें शूटिंग में। तो कब तक चलेगी सर प्रक्रिया? प्रक्रिया हमारा तो लगभग बच्चे कम होंगे तो कल भी हो जाएगा, लेकिन परसों का दिन है तो हम आराम से परसों तक ही पूरा करेंगे। वही जयपुर से आए प्रतिनिधि आदित्य ने बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से खिलाड़ियों के ट्रायल लिए जा रहे हैं, इससे इन बच्चों को भविष्य में बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये एसटीसी ट्रायल्स हैं, तो इसमें एज क्राइटेरिया जो है 11 साल से, तो अंडर 18 ईयर्स के बच्चों को उसमें सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए मेरे ख्याल से बुलाया गया है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बॉक्सिंग और शूटिंग के अलावा काफ़ी ज़्यादा बच्चों में एक्साइटमेंट है। सही एक अच्छा आयोजन करने जा रहा है, तो इसका बेनिफिट यहाँ के बच्चों को और यहाँ से जब इंडिया के सारे बच्चे जिसमें प्रतिभा है उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो ये बड़े हर्ष का विषय है मेरे लिए। राज्य सरकार के निर्देश पर जलदाय विभाग 1 मार्च से अवैध कनेक्शन वालों के खिलाफ अभियान चलाएगा। गौरतलब है कि अलवर शहर सहित जिले भर में ऐसे अवैध कनेक्शन मौजूद हैं। वहीं अब सचेत हुए विभाग ने ऐसे कनेक्शन को चिन्हित करने के लिए अभियंताओं और अन्य कर्मचारियों की टीमें बनाई है। अधिशासी अभियंता कवल नारंग ने बताया कि यह टीमें अपने अपने इलाकों में अवैध कनेक्शन का पता लगाएंगी। वहीं ऐसे लोगों को कनेक्शन लेने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया जाएगा। इसके बाद 1 मार्च से अवैध कनेक्शन को काटने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विभाग के AEN और JEN और उनके कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है और वो एक एक इलाके में देख के जहाँ भी इलीगल कनेक्शन है उनको चिन्हित कर उनको पेनल्टी के साथ उनको रेगुलर करने का, और अगर नहीं होते हैं तो उनको काट के FIR दर्ज कराने के निर्देश। अलवर में अग्रसेन मार्ग स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। श्री अग्रवाल महासभा और अग्रवाल समाज ने कार्यक्रम आयोजित किया। 3 दिवसीय कार्यक्रमों के समापन दिवस पर सोमवार को मंदिर में भगवान श्री जी का अभिषेक किया गया। इसके बाद हवन यज्ञ कर पूर्ण आहुति दी गई और महाआरती के साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। महासभा अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि 73वें स्थापना दिवस पर विशेष झांकी भी सजाई गई। वहीं मंदिर प्रांगण में सोमवार को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई। लक्ष्मीनारायण परिसर में भगवान शिव की 9 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा भी आज की गई है। जिस मंदिर का नाम चिंतारण महादेव मंदिर भगवान की प्रेरणा से रखा गया है और इसमें भगवान की नई प्रतिमाएं लगाई गई हैं। भगवान शिव की जो पिंडी है ओंकालेश्वर से चंदन तिलक वाली मंगाई गई है। आज बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं। सुबह क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं मंदिर में? सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मीनारायण जी का जल अभिषेक है, हवन है, और इसी के साथ साथ शिव मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, पूर्ण आरती, श्रृंगार आरती, हवन और सारा कार्यक्रम है। और उसके बाद अब 12:30 बजे से सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। अलवर के साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित राम मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा आयोजित की गई। सोमवार को अंतिम दिन स्वामी कमलदास बापू ने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। मंगलवार को सुबह 9:15 बजे शिव जी का अभिषेक किया जाएगा। वहीं हवन के साथ ही कन्या भोज होगा। कथा के पूर्व श्री राम मंदिर विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम सोनी और कौशल्या देवी सोनी ने अभिषेक करने के साथ ही कथावाचक स्वामी कमलदास बापू का पूजन किया।
वहीं मौजूदा अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज पाड़ा, उपाध्यक्ष जीपी शर्मा, रामनिवास झालानी, मंदिर के पुजारी लक्ष्मी नारायण शर्मा और सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों के करीब 2000 कट्टों की आवक हो रही है। वहीं इसके भाव 4000 से लेकर 5000 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार करीब 15 दिनों से सरसों की आवक हो रही है। उन्होंने कहा कि विदेश का तेल सस्ती दर पर भारत में आ रहा है, जिसका आयात कर भी नहीं लिया जा रहा। ऐसे में सरसों के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में कदम उठाने पर जोर दिया है। वर्तमान में सरसों हमारे किसान की ओर पास से 2000 कट्टे करीब आ रहे हैं। बाकी अन्य मंडियों से 2000 कट्टे अन्य मंडियों से आ रहे हैं। अन्य मंडियों में कोटा, एमपी लाइन की सरसों जो है, और बाकी अधिकांश सरसों सीधी मिलों में भी आ रही है। अब की बार सरसों 15 दिन पहले आवक शुरू हुई है। क्वालिटी पिछले साल जैसी है, भाव भी पिछले साल जैसे है। सर, पहले सरसों 9000 तक बिक चुकी थी, अब सरसों करीबन आधी रेट पर 4000 या 4500-5000 तक बिक रही है। आपको लगता है कि इस बार भाव काफ़ी कम है? सरसों सिर्फ कोरोना के समय पर ही 7000-9000-7000 करीब बिकी थी। बाकी सरसों का स्टैंडर्ड भाव हमेशा 5500 रुपया रहा है। सरसों का भाव हमेशा विदेशी तेलों के भाव के ऊपर निर्भर होता है। फिलहाल अपने सारे विदेशी तेल सारे मध्य हैं, चूँकि अपने सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो कर रखी है। जब तक इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़े नहीं या विदेशी तेल तेज नहीं हो, तब तक अपने सरसों तेल तेज नहीं हो सकता, तो ये भाव यहीं रहेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार की नीतियों के कारण दाम ज़्यादा किसान को नहीं मिल पा रहे हैं? अगर सरकार विदेशी अगर सरकार चाहती है कि किसान को तो समर्थन मूल्य पर पैसा मिले और आम जनता को तेल बहुत मदद मिले, यही इसी उसमें ये सब भाव पड़े हुए हैं। सरकार की नीति के कारण ये भाव निर्धारित हैं। हाँ, सरकार की नीति के ऊपर ही भाव निर्धारित होते हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक,
डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभु दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं खैरतल की, जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति की जान चली गई। एएसआई धर्मवीर के अनुसार इसे लेकर गुरनाम सिंह ने रिपोर्ट करवाई है। इसमें बताया गया है कि उनका पुत्र गुरविंदर सिंह और भाई का पुत्र अमरजीत सिंह खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम के एक बाइक चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी। इस वजह से अमरजीत की मौके पर ही जान चली गई। वहीं गुरविंदर को अलवर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खैरतल की नई अनाज मंडी में अज्ञात कारणों के चलते कपास में आग लग गई। यहां नरेश कुमार सुरेश चंद्र फर्म पर रखी 90 मन कपास जलकर राख हो गई। वहीं नगर परिषद की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की वजह से करीब 3 लाख के नुकसान का अनुमान है। किशनगढ़ वास के रुंद बागोड़ा और मिर्जापुर में गौकशी के मामले में पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया। भिवाड़ी एसपी अनिल बेनीवाल के अनुसार करीब 250 जवान सर्च ऑपरेशन में भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लावारिस गायों को गौशाला भेजा जा रहा है। इसके अलावा अनेक आरोपियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। उनके अवैध कनेक्शन हटाकर झोपड़ियां बुलडोजर से तोड़वा दी गई हैं। पूरे मामले में 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आज जो हम कर रहे हैं कि बेसिकली क्योंकि वो पूरा एक जंगल का एरिया है, उसमें एक टारगेट हमारा ये है कि जो भी लवारिस गायें हैं जो इस चीज का शिकार हो सकती हैं, उनको हम लोग गौशाला के अंदर जमा करा रहे हैं। ऐसे लगभग 10-12 गाय हम लोगों ने अभी तक जमा करवाई हैं वहां से ढूंढ के। और दूसरा ये है कि जो लोग इस तरह की चीजों में लिप्त हैं और उसके साथ सरकारी रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, जैसे ठीक है सरकारी जमीन पर उन्होंने खेती बाड़ी कर रखी है, ठीक अवैध बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं, अवैध पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं, अवैध झोपड़ियां बना रखी हैं, ठीक है सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन मिलकर लगातार कार्रवाई हमारी अभी चल रही है फील्ड में। और ये चीज आगे भी कंटिन्यूस जारी रहेगी। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और उसी के उम्मीदों पर प्रशासन काम कर रहा है। इस तरह की न्यूसेंस टाइप की एक्टिविटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, एक साइड इस तरह की हरकत करते हैं प्लस दूसरी साइड सरकारी रिसोर्सेज का दोहन भी कर रहे हैं, उनके ऊपर डबल कार्रवाई हम लोग करेंगे और हमारी टीमें लगातार फील्ड में हैं। आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी कार्रवाई बिल्कुल देखने को मिलेगी। कितने लोग नामजद हैं, क्या 20+ से ज्यादा लोग इसमें नामजद हैं, ठीक है। और मौके से हमने कुछ गाय भी बरामद की है जिनको ये लोग अपनी एक्टिविटी के लिए करने वाले थे, तो लोग नामजद हो चुके हैं और हमारी टीमें उनके पीछे हैं, जल्दी उनको अरेस्ट किया जाएगा। अलवर में FCI गोदाम के पास ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वहीं अरावली विहार थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मृतक की शिनाख्त महेंद्रगढ़ के गुलशन कुमार यादव के रूप में हुई है। वह सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर का कार्य करता था। मृतक के शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है। 10-11 बजे से सूचना मिली थी ट्रेन से एक व्यक्ति की डेड बॉडी कट के पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पहुंचकर रेड बिड कराकर मोर्चड़ी में रखवाया गया, जिसके परिवारजन आज सुबह पधारे, जिन्होंने पहचान की गुलशन कुमार सनक सुरेंद्र कुमार जाति आई उम्र 31 साल निवासी छापरा सलीमपुर थाना नारनौल सदर जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, जिसके पास ट्रेन की प्लेटफार्म की टिकट मिली है। खेली थाना क्षेत्र के रिजवास गाँव में एक युवक की अधिक शराब पीने से मौत हो गई। मृतक नीमराना के तलवान गांव का निवासी था और अपने जीजा के भाई की शादी में गया था। वहीं परिजन अचेत युवक अक्षय कुमार को लेकर अलवर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी जान चली गई। अक्षय अपने पिता का इकलौता पुत्र था और कंपटीशन की तैयारी में जुटा हुआ था।
अब वहाँ उसको पता नहीं क्या हुआ है, उनको तो अचेतन अवस्था मिला है तब ये वहाँ। पुलिस ने क्या सूचना दी आपको? पुलिस ने तो पुलिस में तो अब सूचना लगी है कि भाई ऐसे ऐसे उस थाने में कोई ऐसे कोई एक्सपायर हो गया, अरे आप उसका पोस्टमार्टम करवाओ। किसी पे कोई शक शुबा कोई है, कोई ऐसा? वो तो मेडिकल रिपोर्ट आए तब पता हो कि भाई क्या है, पहले तो क्या शक शुबा। कितनी उम्र है इनकी? 27-28 साल है। बच्चे अच्छे हैं? ना, अनमैरिड। अनमैरिड? कितने भाई बहन हैं? केवल अकेला ही था माँ बाप के। मालाखेड़ा क्षेत्र में कई सरकारी विभाग बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे। यहां 476 सर्विस कनेक्शन पर 2,33,00,000 से अधिक का बिल बकाया है। वहीं बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद बिल जमा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में निगम को राजस्व की हानि हो रही है, साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत से बिजली का बिल वसूलने में विद्युत निगम के कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं। सहायक अभियंता तनिक कुमार बटवाड़ा के अनुसार मालाखेड़ा अस्पताल के 26 कनेक्शन पर 3,13,000 बाकी हैं। वहीं जलदाय विभाग के 29 कनेक्शन पर 3,55,000 एवं पुलिस थाने पर 21,970 की राशि शेष है। नगर पालिका ने 5,16,000 का बिल नहीं चुकाया है। कई अन्य विभागों पर भी राशि बकाया चल रही है। उन्होंने अब विद्युत कनेक्शन काटे जाने की चेतावनी दी है। विद्युत विभाग मालाखेड़ा के अधिकारी कर्मचारियों को इन दिनों बकाया बिल वसूलने में पसीने छूट रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के विभिन्न सरकारी विभाग कार्यालयों पर करीब 2 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है, लेकिन बार बार नोटिस के बाद भी बिल जमा नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर विद्युत विभाग घाटे की ओर कमाई के बाद भी जा रहा है। अब देखना है कि वित्तीय वर्ष के इस मार्च के महीने तक कितना प्रतिशत उगाई वसूली विद्युत बिल की कर पाते हैं। मैं उदय सिंह, एटीएन न्यूज। मालाखेड़ा क्षेत्र के जमालपुर में सामने आया है कि किस तरह राजपूत समाज में दहेज उन्मूलन के प्रति जागरूकता फैल रही है। यहां के निवासी नरेश सिंह की पुत्री के विवाह में वर पक्ष की ओर से तिलक के नाम पर सिर्फ एक नारियल और 500 रुपए शगुन के लिए गए। नागौर जिले के राठौर परिवार ने यह पहल की। वहीं किसी भी तरह का दहेज या घरेलू सामान लेने से इनकार कर दिया। इस परिवार ने सामाजिक समरसता की मिसाल भी कायम की। इस मौके पर जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर लोकेश शेखावत, पूर्व आयकर अधिकारी शिवराज सिंह, राजपूत सभा जिला अलवर के अध्यक्ष रहे भूपेश सिंह राजावत सहित छाजू सिंह, शत्रुघ्न सिंह, अवधेश रामवीर और श्याम सिंह आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा के ढकपुरी स्थित राजकीय बालिका स्कूल में साइकिल वितरण किया गया। यहाँ 34 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम में सरपंच सुनीता राजेश यादव और प्रधानाचार्य विजय सिंह मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सनातन ब्राह्मण कल्याण फाउंडेशन की जिला कार्यकारिणी गठित की गई है। इसकी बैठक रविवार को आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने बताया कि समाज की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहना ही उनका उद्देश्य है। वहीं राष्ट्रीय सचिव यश जोशी और प्रदेश सचिव चेतन शर्मा ने वरिष्ठ सदस्यों की सहमति से कार्यकारिणी बनाई है। इसमें जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश शर्मा, जगदीश शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा के अलावा उपाध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य पदों पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं बैठक में लखन जोशी और प्रदीप शर्मा ने पुजारी जोड़ो मंदिर बचाओ अभियान की तैयारी पर अपने विचार व्यक्त किए। लक्ष्मणगढ़ के श्रीराम आदर्श विद्यापीठ में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता संपन्न हुई। स्कूल के प्रबंध निदेशक अजीत सिंह सैनी के अनुसार इसमें कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी शामिल हुए, साथ ही विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के प्रति जागरूक बनाया गया। सर्वोच्च अंक लाने वालों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। यह परीक्षा सह प्रबंधक मनोज कुमार सैनी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। वहीं पूरणमल, भगवान साय, राजकुमार, केशव, अरविंद शर्मा, जितेंद्र शर्मा और सुनील सैनी आदि का सहयोग रहा। और अब बात बड़ौदा में की, जहां 5 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। कस्बे के रतन कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में रविवार की शाम यह आयोजन श्री श्याम सखा मंडल ने किया। मंडल के अध्यक्ष पूर्ण साहू और मुकेश गर्ग ने बताया कि आचार्य ललित मोहन ओझा और डॉक्टर स्वामी कौशल किशोर महाराज ने श्याम बाबा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। वहीं मालवा के संत अनिल शर्मा ने भी श्री श्याम कथा आरंभ की। कथा का वाचन 20 फरवरी तक होगा। 21 फरवरी को भव्य रथ निशान यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसी दिन रात्रि में श्री श्याम जागरण होगा। इसके अलावा 22 फरवरी को श्याम बाबा की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा और जवाहर सिंह बेढम भी पहुंचेंगे। भरतपुर से
अलवर के बीच ये एक ऐसा मंदिर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा पंच दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। ये एक ऐसा उत्सव होगा कि बड़ौदा मेयो के सुनहरी अक्षर में लिखा जाएगा कि बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा उस कालखंड में हुई, और लोग याद करेंगे कि बाहर से अनेक अनेक श्याम प्रेमी लोग पधारे और जिन्होंने आकर के अपनी महती योगदान दिया और बाबा श्याम के दर्शन कर, और विशाल में 22 तारीख का जो भंडारा होगा प्रसाद पाकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बाबा खाटू श्याम जी का ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। पहले छोटे से रूप में ये था, आज भव्य रूप में यहाँ बिल्डिंग भी बनाई, उनका मंदिर भी बनाया, और प्रतिष्ठा कार्यक्रम ये 4-5 दिन तक चलेगा। आज प्रथम दिवस है और इसमें बाबा खाटू श्याम की कथा का भी कार्यक्रम है, कई विभिन्न कार्यक्रम होंगे, और सुरूर क्षेत्र से बड़े बड़े महापुरुष पधार रहे हैं, जैसे हमारे तिजारा से आचार्य ललित मोहन जी आए हुए हैं, मैं भी श्री धाम वृंदावन से आया हुआ हूँ। इच्छा तो है कि 5 दिन रुकूँ, लेकिन आगे कार्यक्रम है चित्रकूट में, तो वहाँ जाना अनिवार्य है। कठुमा क्षेत्र में जैन आचार्य विद्यासागर महाराज के देवलोक गमन की सूचना पर शोक की लहर छा गई। वहीं कठुमर में मुकेश जैन, टिटपुरी में सोनेश नेहा जैन के सानिध्य सहित खेड़ली, बड़ौदा कान और अखेगढ़ में जैन समाज ने आधे दिन तक दुकानें बंद रखी। इसके अलावा मंदिरों और घरों में जैन समाज के प्रतिनिधियों ने भावपूर्ण विनयांजलि अर्पित की। श्याम गंगा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने आकस्मिक निरीक्षण किया। यहाँ लेबर रूम होने के बावजूद प्रसव नहीं करवाया जा रहा है, साथ ही अस्पताल परिसर में गंदगी मौजूद है। ऐसे में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। गौकशी और बीफ मामले में 4 पुलिसकर्मी किए सस्पेंड और 38 हुए लाइन हाजिर। आईजी और एसपी ने भारी जाब्ते के साथ खंगाले बीहड़। वन मंत्री संजय शर्मा ने बीहड़ से गौवंश मुक्त करवा लगाई लतार। सरकारी जमीन से बिजली कनेक्शन हटाने के भी दिए निर्देश। मंत्री शर्मा के साथ किशनगढ़वास क्षेत्र में पहुंचे कई भाजपा नेता। मेवात में वर्षों से जारी है गौकशी और बीफ सहित मिलावटी दुग्ध उत्पादों का धंधा। वहीं कई जगह खुलेआम मिलती है अवैध शराब। मौके का दौरा कर लौटे बनवारी लाल सिंगल सहित जागरूक वर्ग ने सख्त कार्रवाई पर दिया जोर। और कांग्रेस के खातों को सीज किए जाने के खिलाफ हुआ धरना प्रदर्शन। मोदी डूंगरी आयकर कार्यालय के बाहर वरिष्ठ नेताओं ने जताया विरोध। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।